भिखारियों से आइए भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो भाई को जैसी होने जा रही है विवादन जैसे मुझे तो अगर भाई वगैरह आ जाए तो बड़ा हंस हंस के आपके इस्तकबाल करेंगे। जो तो अकेली होती तो ऐसे ही सामने भाई मैं अकेली हो जाए तो बोर ही हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। चलो जी इसी के नाल भाई आज की जो रेसिपी हमारी बनने जा रही है ना वो इस तरह है भाई ना, उसके लिए हमें देसी घी चाहिए। देसी घी के लिए हमें पहले भाई मलाई है हमारे पास, ये देखें इससे हमने मक्खन बनाना है। उसके बाद इसके अंदर से हम देसी घी निकालेंगे, वो अपनी रेसिपी के अंदर हम शामिल करेंगे क्योंकि आज जो रेसिपी बनने जा रही है आपको दिखाते हैं। पहले मक्खन बना लें, मलाई ना इसको जाग लगाई हुई है तो इसके ऊपर से हमने मलाई जो उतारी है ना काफी गाढ़ी हुई है, इसके अंदर दही तो है नहीं ना। अच्छा ये देखिए इस तरह मक्खन हमने भी बना लिया है माशाल्लाह। पहले एक दफा मैंने ग्राइंड किया, ये इतना सा इसके अंदर से निकला, ये दूसरी बारी के अंदर से मक्खन को ना मैं इस तरह ना इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं भाई। अच्छा ये मैं इस तरह में मैंने मक्खन निकाल लिया, अब इसको पिघलाते हैं, इसके अंदर से घी निकालते हैं, उसके बाद अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अर्रहमान रहीम, इतना का हमें ज़रूरत है ना उतना की पिघलाएँगे, बाकी मक्खन रख लेंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ती है मक्खन की। अच्छा अच्छा जी घी हमारा भाई इस तरह पक चुका है, अब हम ये दूसरा में घी है ना वो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध जो है ना उसको नीम गर्म करना है, ये इधर इसको रख देते हैं। सामान में सारा इकट्ठा कर लिया है, आज हम भाई बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, वो भी एक नए तरीके से। जो हमने पहले वाला तरीका था ना उसको ख़त्म कर दिया, उस तरीके से हम नहीं बना रहे, अब हम अलग तरीके से बना रहे हैं। यहाँ कल काफ़ी देर भाई साहब की फरमाइश जा रही थी भाई आपने गोलियाँ सर्दियाँ बीत गई ना कोई जैसा मीठा बनाया ना आए भाई नमकीन ही नमकीन, क्योंकि ना मीठी टिक्कियाँ बना के दें। मैं कल भी ले आया सामान, मेरे भी सब सामान इकट्ठा करके ले आए भाई, उसकी फरमाइश पूरी करते हैं। उसके लिए हमें भी चाहिए मैदा, चीनी, सूजी, दूध, नारियल, सफ़ेद तिल, सब्ज इलायची, तो उसके देसी घी, इससे हमने भी बनानी है मीठी टिक्कियाँ। थी वो भी ये मैं आप देख रहे हैं आपने कौली क्यों उठाई हुई है, इस कौली से ना हम सब कुछ परमैश कर के अंदर डालेंगे, परमैश कर के अंदर डालेंगे ना तो बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन टिक्कियाँ बनेंगी, कोई शायद कम नीच ऊँच नीच ना होगी। आइए भाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये रही हमारी कौली, ये हम दो कौलियाँ लेंगे मैदे की, एक इसको सबको हमने अच्छे से छान लिया है, ये दो दो कौली मैदा तो एक कौली हमने बस सूजी की लेनी है। सूजी वो वाली लेनी है जो बारीक होती है, बिल्कुल बारीक, अगर बारीक नहीं है तो थोड़ा सा हल्का सा उसको ग्राइंड कर लें, लेकिन होनी बारीक चाहिए। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक कौली गई सूजी, अगर एक कौली सूजी है दो कौलियाँ हमारी कौलियाँ जो है ना वो मैदे की हैं, तो हमने भाई ना थोड़ी सी कम रख के ना इसे एक कौली घी की डालनी है। इसके अंदर ये हमारे दो से तीन चम्मच हैं सफ़ेद तिल, ये भी अंदर गए बिस्मिल्लाह, नारियल के भी दो से तीन चम्मच हैं, ये भी इसी के अंदर गए। ये रही हमारी इलायची पाउडर, इस तरह मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, ये भी इसी के अंदर। अब इसके अंदर जो हमारी चीनी है ना उसको भी हमने इसी तरह डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मैदे दी कौलियाँ ना तो एक हमने भी कौली चीनी की डालनी है, क्योंकि इजाफी हमारी सूजी भी है ना उसके लिए हाफ एक और डालनी है, ये देखें इस तरह। ये इतनी सी बस,
अब इसके अंदर हमने घी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देसी घी घर का अपना, अभी अभी बनाया है, ताज़ा फ्रेश। ये देखें इस तरह थोड़ी सी काम में कौली के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसको अच्छे से इसे मिक्स कर लें, उसके बाद ये घी हम अंदर डालते हैं। अब इसको अच्छे से मसलना है इस तरह। जो हमने अंदर घी डाला है ना, ये इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा ये देखें, इस तरह मैंने इसके अंदर सब कुछ मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इसको ना हमने, ये दूध है ना, इसके साथ हमने इसको गूंदना है। गूंदना इस तरह ना, थोड़ा सख्त गूंदना है, इस तरह नरम नहीं गूंदना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये देखें, इस तरह मैंने भी इसको गूंद लिया है। दूध जो है ना हमारा इसके अंदर लगा है तकरीबन, कोई मेरे ख्याल से ये कौली है ना हमारी, हाफ से कम कौली की दूध की लगी है, उससे ही हमारा आटा बन गया। अब इसको ना हल्का हल्का थोड़ा सा गूंदना है, उसके बाद इसको ना 10-15 मिनट रेस्ट देनी है, उसके बाद हम अपनी मीठी टिक्की तैयार करेंगे। अच्छा जी ये देखें भाई, आटा हमारा बको जिस तरह तैयार हो चुका है। आटा ना इतना सा सख्त होना चाहिए। अब ना इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी लगा के ना इसके अंदर से निकाल देते। ये देखें इस तरह, इसको ना इस तरह थोड़ा सा जिस तरह ग्रीस करते हैं ना, इसको 5-10 मिनट तक लाजमी रेस्ट दें, उसके बाद इसकी टिक्कियाँ तैयार करनी। ये देखिए आटा हमारा तैयार है। अब हम दूसरा सामान जो उसको समेट लेते हैं, उसके बाद हम अपनी टिक्कियाँ तैयार करेंगे आपको दिखाएंगे। अच्छा जी माशाल्लाह ये देखें भाई, इसको ना 10-15 मिनट हो चुके हैं, मेरे ख्याल 15 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट देते हुए। अब इसको ना थोड़ा सा इस तरह खोलना है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको हल्का सा थोड़ा सा मसल के ना, उसके बाद ना इसके पेड़े बनेंगे। अच्छा जी एक दिन इसको मैंने इस तरह मसल ले, अब इसके ना हम इस तरह पेड़े बनाएंगे। ये देखें पेड़े बना के इसको हल्का सा खुश्का लगाएंगे, क्योंकि ना ये घी तो काफ़ी है अंदर, लेकिन फिर भी ना इसके अंदर सूजी है ना, तो इसके अंदर इस तरह ना हल्का सा पहले हाथ से दबा के ना, उसके बाद इसको बेलनी से बेलेंगे। अच्छा इस तरह मैंने भी बेल लिया है। अब इसको इसके अंदर से हम इस गिलास की मदद से हम अंदर से टिक्कियाँ निकालेंगे इस तरह। ये नहीं बनती, ये देखें इस तरह, इस तरह हमने सारी बना कर तैयार करके आपको दिखाते हैं। हाँ एक बात ना आपको बतानी मैं भूल ही गई है, इस तरह ना आपने कांटा ले लेना, इस तरह ना इसके अंदर से ना आपने इस तरह सुराख करने हैं, क्योंकि ना ये ना फूले ना अंदर से पके, इस तरह इस तरह। इसी तरह आपने कांटे से अंदर ना आपने इस तरह सुराख कर लेने, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। अब जो मैंने इधर बेलूँगी ना, उसको डायरेक्टली इधर मैं सुराख कर लूँगी इस तरह कांटे से। अच्छा जी ये देखें भाई, इस तरह भी हमने बेको टिक्कियाँ बना ली हैं माशाल्लाह, भी सारी बना के तैयार कर ली हैं। अब हम भाई अपना घी गरम करते हैं, इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें इस तरह माशाल्लाह, ये रही हमारी कढ़ाई, इसके अंदर हमने घी पहले भी डाल लिया है, थोड़ा सा और डालते हैं कम में।
घी को भाई अच्छे से गर्म करते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, चेक करते हैं कैसे बनती है। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ना अंदर घी ज्यादा है, कहीं डूब ना जाए, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा जी भाई, घी हमारा भाई इधर गर्म हो चुका है, अब माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मेरा खैर पहले एक को फ्राई करती हूँ, चेक करती हूँ कहीं डूब ना जाएगी, नहीं तो उसके बाद अगर सही बन गया तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा दफ़ा फ्राई कर लेंगे, जल्दी हो जाएंगे। नहीं माशाल्लाह ना अच्छे बनेंगे, बिल्कुल सही है। घी देखे अंदर से निकल रहा है, चेक कर। अच्छा इसी तरह ना सारी फ्राई करके ना आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह भी अच्छी बन गई, कहीं रुकने का खतरा नहीं है, माशाल्लाह अच्छी बनेगी। फ्राई करके आपसे मिलते हैं। अच्छा जी ये देखें भाई, इस तरह हमने भाई कुछ फ्राई कर लिए हैं, माशाल्लाह भी बड़े मज़े के बने हैं, बड़ी ना खस्ता इस तरह ना, बड़े नरम सॉफ्ट है, इस तरह चेक करें, चेक इस तरह। अभी इसी तरह ना सारे फ्राई करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, भाई साहब को चेक करवाएंगे भाई, जिनकी फरमाइश हमने भी पूरी की है उनको पसंद आ जाए अल्लाह करे। अच्छा ये देखें इस तरह भी हमने फ्राई कर लें, माशाल्लाह भी मुकम्मल हो चुके हैं, अब आइए भाई चलते हैं टिक्कियों का रिजल्ट लेने चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो जी पे थोड़ी फरमाइश पूरी कर छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बीबी तो ऐसी हो ना, हां मुंह से लाभ निकला नहीं, हाँ तो अमल दरामत पहले ही शुरू हो, बिल्कुल चेक करें, अब चेक करके देखेंगे टेस्ट कैसा है। हां जी हां जी, जल्दी में कहीं मामला हो तो नहीं हो गया? नहीं नहीं माशाल्लाह ना देर तक हमें पसंद है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह ये तो ऐसे लगता है जैसे मेरे वाल गोड़ था मुंह में रखते कर गया, ये भी मुंह में रखते कर गया नहीं है ना, नहीं गोड़ तो हट के उसे, माशाल्लाह बीबी ये तो ऐसी है, जबरदस्त है ना, जबरदस्त जबरदस्त, चलो जी बीबी ये तो ऐसी, तो माँ हो तो ऐसी हो तब भी बोल दो। अच्छा जी ये देखें इस तरह भी हमने भी कोई मीठी टिकियां बनाई हैं, माशाल्लाह बन चुकी हैं ना, हर साल भी पसंद आ गई है ना, जबरदस्त है। मैं तो सुबह जाऊंगा बैठे थे बेचन हां देखा के अंदर में बेचन जा सा हर शायद नहीं बिचिंदा कुछ गाली खा लो भी था। चलो ठीक है, हां जी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना ढेर ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।